आसमान में उड़ने वाली एयर होस्टेसेस को आप अप्सराओं से कम नहीं समझते होगे। मन ही मन सोचते होगे, यार क्या सही जिंदगी है इनकी, आज यहाँ कल वहाँ, फ्री में ही इंडिया और वर्ल्ड टूर दोनों करने मिलता है इनको। पर क्या रियलिटी में उनकी जिंदगी आपके ख्वाबों जितनी हसीन है? एयर होस्टेसेस और एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े चैलेंजेस को सटायरिकल तरीके से पर्दे पर उतारने में कामयाब रही है ये मूवी जिसका नाम है क्रू। फिल्म की स्टोरी हमें अल्टरनेट यूनिवर्स के विजय माल्या और किंग फिशर की कहानी दिखाने की कोशिश करती है, जो शुरू होती है गीता, जैस्मिन और दिव्या राणा नाम की तीन खूबसूरत एयर होस्टेसेस के साथ। ये तीनों अपने कटते हुए वेतन और बढ़ते हुए खर्चों से परेशान हैं क्योंकि कोहिनूर एयरलाइंस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, इसलिए लगभग हर एम्प्लॉय की सैलरी काफी वक्त से रुकी हुई है। एक दिन इन्हें पता चलता है कि उनकी ही एयरलाइंस में काफी समय से गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी। लालच में आके तीनों ये काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले लेती हैं, लेकिन क्राइम पेट्रोल का वो डायलॉग तो सुना ही होगा आपने, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो पर पीछे सबूत जरूर छोड़ता है। अब ये तीनों खुद जेल जाएंगी या अपनी इनोसेंस प्रूफ करके असली चोर को फंसाएंगी, ये जानने के लिए देखिए क्रू ओनली इन थिएटर्स। क्रू फिल्म कई कारणों से स्पेशल है, जैसे फीमेल लेडेड फिल्म होने के बावजूद इसने पहले ही दिन 20 करोड़ का बिजनेस किया था। तब्बू, करीना और कृति का ट्रायो ही फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है। दिलजीत और कपिल का रोल छोटा जरूर है बट दमदार है। कुछ इमोशनल सीन्स भी हैं जिन्हें बिना बोर करते हुए दिखाने की कोशिश की गई है, और यहाँ ह्यूमर के मसाले में तड़का लगाने का काम करता है फिल्म का कैची साउंडट्रैक। फिल्म का नेचर कुछ ऐसा है कि यह मास ऑडियंस को कम और अर्बन ऑडियंस को ज्यादा अपील करेगी। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ सीन्स में लॉजिक भारी मात्रा में मिसिंग है, जैसे एंड का चोरी वाला सीन देख के लगता है ये कार्टून नेटवर्क चल रहा है क्या। इससे ज्यादा स्ट्रगल तो जेरी टॉम से बचने के लिए कर लेता है। ओवरऑल वर्डिक्ट यही है कि क्रू इज अ टाइम पास एंटरटेनर, यू कैन वॉच इट इफ यू वॉन्ट, बाकी अगर स्किप भी कर देंगे तो ज्यादा कुछ नहीं खोएंगे।